हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आपने ब्रेड पकौड़ा तो बहुत खाया होगा, लेकिन इस स्टाइल में बनाइए तो आपको बहुत पसंद आएगा। हमने ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए ब्रेड लिया है, और हमने एक मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से काट लिया है, दो हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक, और चार मीडियम साइज का आलू लिया है, और एक मैगी, वो 10 रुपये वाला जो एक स्लाइस आता है वो, और बेसन। फिर हम थोड़ा सा पानी गर्म करेंगे, उसमें मैगी को डालकर वो अच्छे से उबाल लेंगे। देखिए दोस्तों, हमें इस तरह से पलट पलट कर उबालना है, इसे गीला नहीं करना है। देखिए इस तरह का हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह से इसका पानी गार करके इसको सारा निकाल लेंगे प्लेट में। दोस्तों, ये चिपकना नहीं चाहिए, इसलिए हम इसे फैला फैला देंगे। इधर हमने जो आलू लिया है उसे हम अच्छी तरह से मैश करके उसमें हमने जो प्याज और हरी मिर्च काट कर रखा था वो डाल देंगे, और इतना प्याज बचा कर रख लेंगे। और इसमें हम आलू में नमक डाल देंगे, जितना हमने आलू लिया है उसके अनुसार हम नमक डालेंगे। अब हम इधर बेसन लेंगे और बेसन को अच्छी तरह से छान लेंगे। यहाँ पर हमने छोटी कटोरी से 2 कटोरी लिया है बेसन, और 2 चम्मच के लगभग मैदा। इन सबको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। हम आलू को इस तरह से मिला लेंगे पूरा। अब हम बेसन को भी अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हम बेसन में अलग से नमक डालेंगे, इसमें हम बेसन के लिए नमक डालेंगे जितना हमने बेसन लिया है, और आलू में हमने जितना नमक दिया था आलू के लिए था वो। अब हम बेसन में नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, और इसमें थोड़ा सा मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डाल देंगे, और इसमें हम पानी डालकर अच्छे तरह से मिला लेंगे। इसमें हमें गांठ नहीं रहना चाहिए, इसमें अच्छे से मिला लेंगे कुछ इस तरह से। इस तरह का घोल हमें तैयार कर लेना। अब हम ब्रेड का स्लाइस लेंगे इस तरह से, उसके बाद हम पानी से इस तरह से उस पर ब्रेड पर लगा लेंगे। उसके बाद हमने आलू जो मिलाकर रखा है उस पर इस तरह से लगा देंगे। पानी लगाने से ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा, निगलेगा नहीं। हमने दोनों स्लाइस पे अच्छे से लगा लिया आलू। अब हम इसके ऊपर स्लाइस को चिपका देंगे इस तरह से, दूसरा स्लाइस दोनों के ऊपर चिपका देंगे। देखिए इस तरह से हमें चिपका लेना है। अब हम चाकू की मदद से इसे इस तरह से इसके कोना कोनी को इस तरह से ऐसे काटेंगे, दो भागों में काट देंगे। अब हम इधर फ्राई पैन में तेल को गर्म करेंगे। तेल हम ज़्यादा लेंगे, तो भी अच्छे से गर्म हो जाए तब इस तरह का घोल रेडी हो गया है। अब हम इसमें जो ब्रेड में आलू लगा कर रखे हैं उसमें हम डालते जाएंगे इस तरीके से चारों साइड से।
में से ज़्यादा देर नहीं रखना है, नहीं तो ये गल जाएगा। जल्दी जल्दी करके इसे इस तरह से गाड़ देंगे और हम इसे फ्राई पैन में डालते जाएंगे। देखिए इस तरह से, सारे ब्रेड को हम इसी तरह से डालते जाएंगे। मीडियम आँच पर हम इसे इस तरह से पकाते जाएंगे। अब हम इसे पलट लेंगे। देखिए दोस्तों इस तरह से ये पलटे, कितना अच्छा ब्राउन होकर के सिका गया है। इसी तरह से हम इसे पलट पलट कर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए ये हमारा फ्राई हो गया। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। सारे ब्रेड को हमने प्लेट में निकाल लिया है। देखिए इस तरह का हो गया है, कितना सुंदर दिख रहा है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसे आपको डेकोरेट करके दिखाऊंगी। देखिए इसे हमें इस तरह से बीच से काट लेना है। उसके बाद हमने जो मैगी फ्राई उबाल कर रखी थी, उसमें हल्का सा नमक मिला करके इसके बीच में डाल देंगे इस तरीके से। और इसमें हमने जो प्याज रखा था वो डाल देंगे थोड़ा सा। अब इसमें ये आलू की भुजिया जो आती है वो हमने डाल दिया है थोड़ा सा। आप चाहे तो धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है। अब हम इसमें टोमेटो सॉस डालेंगे थोड़ा सा। इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम चिली सॉस और इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, ब्लैक साल्ट। देखिए दोस्तों इस तरह से हमें बनाना है। सारे ब्रेड पकौड़े को हम इसी तरह से कर लेंगे। देखिए दोस्तों कितना सुंदर हो गया। देखिए दोस्तों आप लोग घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। ये मार्केट वाले से भी अच्छी बनती है और टेस्टी बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। बाय।